अभी एक घंटा हुआ है ये हमारे हिंदुस्तान का झंडा شعا ولخيا شعا
صدى على يسار وبرض الميادين رد واحدة لحسين رد واحدة لحسين رد واحدة يلا نسل لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين الله क्या उसे هلا هلا بزوار ابو علي هلا ياهو عساكم पुलिस वाले उतरते ही फौरन सलाम दुआ करने लगते हैं सलाम
स्टार्ट हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पोल नंबर 72 पे, और अरबईन का जो सफ़र है वो माशाल्लाह वैसे ही है जैसे चल रहा था, और ज़ईफ़ से ज़ईफ़, जवान से जवान, बच्चे से बच्चे। वैसे मैंने डॉक्यूमेंट पूरी तरह से चाहा है कि हर चीज़ शूट कर सकूँ, जितना ज़्यादा टाइम मिल पाया आईफोन में, गोप्रो में, सारी चीज़ों में, लेकिन जो जो चीज़ें कोशिश कर रहा था कि सारी चीज़ें कवर हो जाए, वो तो सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान से लेके हर कोई तबर्रुक बांट रहा है, हर कोई चल रहा है, हर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में मसरूफ़ है। और बेशक इस मसरूफियत में बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है, कोई परेशानी नहीं कि हम ज़मीन पर लेट रहे हैं, कहाँ पर लेट रहे हैं, कुछ भी नहीं, मसला नहीं। मसला आगा इसके बारे में, मशी के बारे में बताएं, जैसे कि आप पाकिस्तानी मौक़िफ़ के सामने हैं, 72 पोल नंबर पे हैं जी। इस वक्त मशी हो रही है नजफ से करबला की तरफ, और इसके अलावा बहुत दूर दूर से लोग करबला की ज़ियारत के लिए पैदल चलते हुए आ रहे हैं, और यह मशी इसलिए हो रही है और सबके जहन में सिर्फ़ और सिर्फ एक बात है कि रोज़े अरबईन बीबी ज़ैनब करबला की सरजमीन पर आई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम ज़ायरीन पैदल चलते हुए करबला की तरफ जा रहे हैं। हम दुआ करेंगे कि खुदा आलम इनकी इस सही को, इस ज़ियारत की, ये जो मशी कर रहे हैं, इसको परवरदिगार आलम कबूल करे। सारी दुनिया में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, इस तरह का कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई गैदरिंग नहीं है, इस तरह का मजमा कहीं नज़र नहीं है कि जहाँ लोग खाने के लिए खुशामद नहीं कर रहे हैं बल्कि खिलाने के लिए खुशामद। सुबह नजर आ अंडा मांग रहा है, 5 अंडे मांग रहा है। सारी मौके पे और खाने का इंतजाम इधर है, खाना भी परमानेंट। तो ये भाई अपने लगाते रहते हैं, दाल है, चावल है, और ये अचार है जी। दादा दादा ले लेना, अम्मी बैठ आई रही है। ये भाई ज़ायरीन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मछली है। ये कारवान हिंद है जो मौक़िब, बहुत बड़ा मौक़िब है माशाल्लाह, जो कि मुंबई वालों की तरफ से, और डॉक्टर्स हैं और मसाज के लिए है जगह, और इधर लोगों के, आदमियों के डॉक्टर्स के लिए है। इसमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे को सपोर्ट है जी। ये वॉलंटियर्स मेरे जो ट्रस्टीज हैं मौकिब के, ऑल ओवर वर्ल्ड से, बॉम्बे से है, यूएस है, कनाडा से है जी जी, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ अकेले से तो नहीं, जाहिर से बात है। हाँ, लीड में कर रहा हूँ, बाकी वॉलंटियर्स ट्रस्टीज सब है जी जी, और सबकी खिदमत है, सबकी टीम वर्क है, इस वजह से ये पॉसिबल हुआ। इराकी लोकल है मेरे जी, जो हानि है वो उसकी वजह से पॉसिबल हुआ, वो हम मेरे को मिले, वो सब मौजूदा वाली स्टोरी आप यूट्यूब पे जाओगे आपको सब मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा मौके मौजूदा है, मौला चला रहे, मैं तो गया हूँ, ठीक है ना। और ये मेरी सोच रही थी पूरे साल क्या क्या करूँ, क्या अच्छा करूँ जो ज़ायरीन को अच्छी तरह से कम्फर्टेबल फील हो, और अलहमदिल्ला उस वजह से इसको इतना बड़ा, बिल्कुल बड़ा बनाया। और सबसे पहला स्टेप मतलब क्या सोच के आपने उठाया था कि मतलब कि इतना बड़ा यहाँ तक मकाम ये पहुँच जाएगा,
क्या ये ऐसा सोचा हुआ था कि या आप ही आप होता चला गया ऐसा कुछ था? जब मैं 2013 में चला था तब मेरे को जो चाय पीना था और तब ठंडी का मौसम था तो मुझे लगा कि यार एक चाय तो होना चाहिए या कुछ हिंदुस्तानी चाय तब तक कुछ नहीं था। 1086 पे एक ही मौकिफ था, पाकिस्तानी मौकिफ था। बोला एक एक चाय पीने का एक जरिया बन जाए ये बोला तो मौला ने मुझे एक बंदे से मिला दिया जी और वो बंदे से बात हुई रुक करते करते 3 साल में ये चालू हुआ जी तब छोटे सी थे और मगर सोच तो बड़ी थी कि बड़ा बिल्कुल बिल्कुल तो 11,000 square feet से उसके अगले साल 22,000 square feet तीसरे साल 5.5 acres हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और ये कंस्ट्रक्ट करते 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 इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। कैसा लगता है आपको जब के भाई कारवाने हिंद अरबईन मैंने सोचा तो हाँ कि जब सारे पोल नंबर लिख के आते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी तो उसके आगे पोल के आगे कारवाने हिंद खास तौर पे ब्रैकेट में लिखा होता है तो कैसा फील होता है आपको कि आपकी दुनिया आखिरत हर तरह से आप एक तरह से पांचों हाथ उंगली जो है घी में है तो उसका क्या आप कहना चाहिए? होता है ना ये एक मौजूदा ही मौला का जी 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 कारवाने हिंद के बाजू में फर्स्ट नाइट खेल लिख किया था इतना खुशी होती है बेशक मेहनत का सिला मिल रहा है बिल्कुल बिल्कुल जब हम इतने थके हुए रहते हैं जी जी पर जो ज़ायरीन गले मिलते हैं बिल्कुल और जो दुआ देते हैं हमारी पूरी थकावट निकल जाती है और ये खुशी बस ये है कि हम हमारे वॉलंटियर को भी बोलते हैं कि किसी से भी नॉर्मली और बहुत अच्छे से अच्छी सब पोलाइट और जैसा लगता है कि क्योंकि एक ज़ायरीन की दुआ लग गई आज हम कहाँ से कहाँ बन गए ज़ायरीन की दुआ से ही ये बड़ा हुआ बिल्कुल बिल्कुल और वो बहुत खुशी और मुझे इतना फख्र महसूस होता है कि मौला ने मुझे एक इतना इतने बड़े काम के लिए चूज किया बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया शुक्रिया فرمایا شمر جب امام کے سینے پہ سوار تھا نا بار بار حسین ایک جملہ کہتے تھے سر فرمان نہ کرو امام نے کہا مجھے جان دليني يا دليني حادي كربلا يا
السلام علیکم. ہم لوگ کی مشی پوری ہو چکی ہے اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اس منظر پہ، اس وقت پہ جہاں ہر شیعہ کو یہ چیز کا انتظار رہتا ہے کہ زندگی میں ایک بار ایسا ہو جائے اس کے ساتھ. وہ منظر ہم لوگ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی زری سامنے سے دکھ رہی ہے، جو ہر بہت سارے لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے. اور شکر گزار ہیں اس پروردگار کے کہ اس نے ہمیں، ہم اخیر اور گناہگار لوگوں کو یہ موقع دیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الانبیاء الله 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 الله
تفرغ هر لحظة بين بحرنا يغوص تفرغ تفرغ هر لحظة بين بحرنا يغوص الله الله لبيك يا पाकिस्तानी शरबत शरबत है बाजूरी ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो शरबत مظلوم کربلا دا مظلوم کربلا دا لے انا لباس تن تے مظلوم دے بدن تے